आज बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसके अंदर देखिए क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्केयर, गिव रीज़न। ये कहता है कि जो ये नंबर हैं ये परफेक्ट स्केयर नहीं हैं, इसका रीज़न दीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, अगर परफेक्ट स्केयर हमें निकालना है कि ये जो पूरा नंबर है क्या ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्केयर है, या ये जो पूरा नंबर है किसी चीज़ का परफेक्ट स्केयर है, तो हमें क्या याद रखना है। सबसे पहले तो कुछ नंबर याद कर लीजिए, 2, 3, 7, इस तरह से ये जो नंबर है अगर एंड में आए, और 8, ये वाला भी नंबर 2, 3, 7 और 8 अगर किसी के एंडिंग में आता है इनमें से कोई नंबर, तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, ये हमने याद रखना है। दूसरा, अगर ओड जीरो नंबर है, यानी कि किसी के एंड में 3 जीरो आ गई, किसी के एंड में 0 आ गई, तो इस तरह का ओड नंबर 0 आ गई, तो वो भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन हमें याद रखनी है। अब इसको इस पे अप्लाई करके देखते हैं, इसके एंड में कितना है 7, तो देखिए 7 जहाँ पे होगा एंड में तो वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। यहाँ पे एंड में क्या है, 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। यहाँ पे 8 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। 2 है यहाँ पे एंड में, तो ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। यहाँ पे 0 हैं लेकिन 3 जीरो हैं, ओड नंबर में 0 हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो जहाँ पे आए तो यानी कि ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। यहाँ पे एंड में 2 है तो एंड में 2 आए तो वो भी परफेक्ट स्केयर नहीं होता। यहाँ पे एंड में 3 जीरो हैं तो यानी कि ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। यहाँ पे एंड में 1 जीरो है, ये भी ओड है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जिसके एंड में 2, 3, 7, 8 या फिर ओड नंबर ऑफ जीरो आ जाए वो परफेक्ट स्केयर नहीं होता। तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।